पौरी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सालोदा में संत रविदास जयंती के अवसर पर विकास यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सरजापुर नदी घाट से कलश यात्रा भी निकाली गई। वहीं विकास यात्रा के दौरान पौरी अनुभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अब केवल आदिवासी बहन को नहीं बल्कि सभी बहनों को प्रतिमाह 1,000 रुपये देने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने ग्रामवासियों की समस्याओं को सुना और उनका तत्काल ही निराकरण किया, साथ ही कई समस्याओं के निदान का आश्वासन दिया। परिवार की बात को सुना और उसका निदान करके हम आ जाएंगे और ज्यादा यदि समस्या है। आज हम सब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो विकास यात्रा पूरे प्रदेश में और हमारे राष्ट्रीय नेता और इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने विकास यात्रा को निकाला है। आज पूरे प्रदेश में एक साथ यात्रा को निकाला है और उसका उद्देश्य हमारा इतना सा है कि जितनी योजना सरकार चला रही है वो जमीन तक जा रही है या नहीं जा रही है। तो कांग्रेस के टाइम में होता था कि 1 रुपये भेजते हैं 85 पैसे बाहर जाते हैं और 15 पैसे वहां तक भेजते हैं, वो ये भाजपा की सरकार में नहीं होगा।